अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अपोलो स्टूडियो डीएचए कराची। आज की वीडियो एक अहम टॉपिक के हवाले से है, बहरिया टाउन कराची और डीएचए सिटी कराची के हवाले से, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग एक कंपैरिजन करते हैं जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही फजूल है। वो कंपैरिजन देखने में आ रहा होता है, तो आज उसी हवाले से वीडियो है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद भी आप लोगों को डीएचए सिटी कराची के हवाले से या बहरिया टाउन के हवाले से अपडेट मिलती रहे। पहले वीडियो शुरू होने से पहले एक बार मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी भी सोसाइटी की इसमें बुराई नहीं कर रहा। दोनों सोसाइटी माशाल्लाह कराची की बेहतरीन सोसाइटीज़ हैं, डीएचए सिटी कराची और बहरिया टाउन कराची। बात सिर्फ ये है कि दोनों का कंपेरिज़न बनता है या नहीं बनता, और कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। रिस्की क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं, मैं समझता हूँ बहरिया टाउन कराची में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहरिया टाउन कराची जो है, कराची का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, समझे वो एक कहते हैं ना दूसरा कराची बनने जा रहा है क्या, ऑलमोस्ट बन चुका है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, बहरिया टाउन कराची जैसा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हाई लाइफस्टाइल ये लोग दे रहे हैं। और समझें हमारे गल्फ कंट्री दुबई की टोटली इन्होंने कॉपी की है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और एक मेगा डेवलपमेंट चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि 2013 में अगर बहरिया टाउन आया तो आज 2022 हो गया, 21 हो गया है, तकरीबन 8-1 साल हो गए, और 8 साल में इन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो उसकी मिसाल मैं कहता हूँ कि कराची पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। इतनी फास्ट डेवलपमेंट, एक मेगा इनके पास मशीनरी है अपनी जिससे इन्होंने डेवलपमेंट की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग कंपैरिजन करते हैं डीएचए सिटी कराची, बहरिया टाउन कराची, तो क्या कंपैरिजन बनता है दोनों प्रोजेक्ट का? तो बहरिया टाउन कराची जो है एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी, वो चीज़ है। मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है, लाहौर इस्लामाबाद में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, उसके बाद कराची में मेगा प्रोजेक्ट किया, एक जो है प्राइवेट प्रोजेक्ट है ये। दूसरी बात, ये पूरा जो है इसकी इनकी लैंड जो है वो बहरिया टाउन के अंडर है। बहरिया टाउन एक जो मेन बात है ये लीज नहीं है, यानी कि जो भी आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है बहरिया का मिलता है, या कोई भी अपार्टमेंट आप बुकिंग में लेते हैं वो भी आपको बिल्डर एग्रीमेंट करके दे देगा, मगर सब लीज़ करके नहीं देगा, शायद फ्यूचर में हो जाए मगर फ़िलहाल तो नहीं है ऐसी कोई चीज़। तीसरी अहम बात यह कि ये जो बहरिया टाउन है ये मीडिया की रौनक बहुत बनता है, कभी नेगेटिव न्यूज़ चल रही होती हैं, कभी कुछ चल रहा होता है, तो मार्केट में अप डाउन बहुत रहता है, रेट में वो कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है, कहीं एक जगह रेट रुकता नहीं है। आज अगर एक चीज़ 10 लाख की हो तो शायद कल 12 लाख की हो या कल 7 लाख की भी हो सकती है। तो कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना रेट अप डाउन बहुत चलता है, वो स्टॉक मार्केट कहते हैं ना जिसको, आज कुछ रेट हो गया आज कुछ रेट हो गया, वो चीज़ है। मगर खासकर जो क्लाइंट कराची से डीएचए सिटी विज़िट करने जाता है उसको बहरिया टाउन बहुत अच्छा लगता है। डीएचए सिटी में डेवलपमेंट तो है मगर कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं जब डीएचए सिटी का टॉपिक आएगा उस पर बताऊँगा अभी थोड़ा आगे, पहले बहरिया का पूरा करते हैं। दूसरी अहम बात यह कि थोड़ा लैंड के इश्यूज़ थे बहरिया टाउन के, जो कोर्ट की तरफ से मैटर सॉल्व हो गया है, अब बहरिया पेमेंट कर रहा है, तो ये एक इश्यूज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मीडिया में आना और हाइप क्रिएट हो जाना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कराची में कितनी चीज़ें जो इस तरह की बनी हुई थी दो नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन साफ सुथरी जगह है, मैं इसकी बुराई नहीं बयान कर रहा, मगर दीगर कराची में जो चाइना कटिंग थी ये सब चीज़ें मीडिया पे आती गई, टूटती भी गई, तो इससे इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा जाता है। बहरिया टाउन साफ सुथरी सोसाइटी है, मगर लीज ना होना और एक वन मैन आर्मी, रेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहना हमेशा, कहीं एक जगह मेच्योरिटी ना आना रेट में, और सबसे ज़्यादा मीडिया की रौनक बनना और आए दिन कोई ना कोई केस आना, जो जिस वजह से बहरिया टाउन एक जगह रुकता नहीं है और रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते हैं। अब आ जाते हैं डीएचए सिटी कराची। डीएचए सिटी कराची डिफेंस ऑफिसर हाउसिंग अथॉरिटी का फेज़ 9 का प्रोजेक्ट है, जिसको डीएचए सिटी कराची कहते हैं, यानी कि
आर्मी का प्रोजेक्ट है ये DHA, सही है। इस वक्त सबसे महंगी, सबसे ऑथेंटिक, यानी कि 200% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है इस वक्त DHA की, उसके जितने भी प्रोजेक्ट आ जाते हैं, सबसे अहम बात ये। और ये इतनी ज़्यादा वैल्यू रखता है ना ये नाम जो है DHA का, कि जिन्होंने आज से 20-20 साल पहले कराची के DHA में प्लॉट लिए थे, दो दो तीन तीन लाख के, आज 20-20 करोड़ के लोग बेच रहे हैं इसी नाम पे, ठीक है। लोग हैं भी नहीं यहाँ पे, पाकिस्तान से बाहर हैं, मगर उनको पता है कि उनके प्लॉट पे कब्ज़ा नहीं होना, उनको पता है कि कोई डुप्लीकेट फाइल नहीं बनी, उनको पता है कि रजिस्ट्री हो जानी है जब हमने बनाना है, सब चीज़ें उनको पता है कि कुछ भी नहीं होगा, जो कि बैरियर टाउन में ऐसा नहीं है, माजद के साथ। दूसरी अहम बात कि लोग कहते हैं कि DHA सिटी को भी बहुत टाइम लगेगा, घर नहीं बन रहे, तो अभी भाई DHA कराची जो है ना उसका फेज़ 8 जो है वो समझे 80% अभी खाली है, मगर 500 गज़ का जो प्लॉट है उसकी वैल्यू है DHA सिटी कराची में कम से कम भी 5 करोड़ पे, 5.25 करोड़ पे, ठीक है। डेवलपमेंट की बात नहीं है, क्योंकि DHA में 60-70% तो ये जितने भी अलॉटमेंट होती है आर्मी पर्सन को होती है, उसके बाद जब सेल हो जाता है तो वो ज़्यादातर 60-70% 80% प्रॉपर्टी ही ओवरसीज़ क्लाइंट लेते हैं, इस बुनियाद पे कि हम 5-6 साल बाहर हैं, हमें पता है हमारे प्लॉट पे कोई मसला मसाइल नहीं होगा, कोई लिटिगेशन नहीं आएगी, 20 साल बाद भी हम आते हैं तो हम आएंगे तो हमारा प्लॉट ट्रांसफ़र होगा, हमारे बगैर हमारा प्लॉट किसी सूरत ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये समझने की बात है, मगर ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त DHA कराची में किसी बहुत हायर रैंक के ऑफिसर को भी ट्रांसफ़र देना होता है ना, तो वो DHA के ऑफिस आता है और ट्रांसफ़र दे के जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। बाकी दूसरे सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता, बहुत सी जगह अथॉरिटी वगैरह दे के भी काम हो जाता है। तीसरी अहम बात कि अभी हाल ही में पास में एक बैलेटिंग आई थी ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए, तो वो जो रेट उन्होंने रखा था DHA सिटी कराची वालों ने, प्राइस ऑलमोस्ट डबल रखी थी, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, मगर इतना बड़ा ट्रस्ट है कि एक जगह जहां कैश पे 90 लाख का प्लॉट मिल रहा है, उस जगह 1,65,00,000 रुपए के प्लॉट सेल आउट हो गए, ओवरसीज़ क्लाइंट ने परचेज़ कर लिए, इस बना पे कि इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ की अगर सिक्योरेंस बनती है एक मिडिल क्लास बंदे की जो 1-1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनके लिए पहला ऑप्शन DHA सिटी कराची है, क्योंकि पास्ट में बहरिया टाउन के ऐसे मैटर आते रहे हैं टीवी पे, मीडिया पे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। कराची में रहने वाला बंदा तो समझ सकता है, मैं कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर रहने वाला बंदा ही नहीं समझ सकता कि इस वक्त क्या हो रहा है, वो तो यही समझेगा ज़ाहिर बात है बाहर इतने ज़्यादा बायलॉज हैं, अगर बाहर कोई कह दे बंदा ये बिल्डिंग गिरानी है तो गिरानी है, मगर कराची में ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया जैसा था वैसा ही है, मगर लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इससे, बहुत ज़्यादा एक कश्मकश में रहे क्या करें क्या ना करें, बैरिया है नहीं है। एक सबसे अहम बात ये भी थी, तो मैं समझता हूँ मैंने आपको दोनों की खासियत बता दी, और जिस वजह से थोड़ा एक वीक पॉइंट मिलता है बैरिया टाउन को वो भी आपको बताया, मगर दोनों कराची के मेगा प्रोजेक्ट हैं, दोनों में आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहरिया में स्टार्टिंग के रिसेंट में 1 से लेकर 16 तक आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर रेट का अप डाउन होता है। DHA सिटी की सबसे अहम बात ये है कि आप जो चीज़ लेते हैं आज, मैं जैसे लोगों को इन्वेस्टर को बाइंग कराता हूँ, अगर 1 करोड़ की भी चीज़ ली है तो मैं उनको 6 महीने का टाइम देता हूँ, 6 महीने तक मार्केट अप डाउन हो सकती है, आफ्टर 6 मंथ आप 110% प्रॉफिट पे होंगे जो चीज़ आपने परचेज़ की है। तो ये एक ख़ास बात है DHA सिटी कराची की। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद आपको कोई भी DHA सिटी कराची या बहरे के वाले से अपडेट चाहिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।